अस्सलाम वालेकुम। कॉनेंस किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक रेसिपी बर्गर्स की। बहुत इजी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। सबसे पहले हमने दाल ले ली है हाफ के जी, उसको 2 से 3 घंटों के लिए भिगो दिया था। उसके बाद हम इसको फ्लेम पे रख देंगे। एक बड़े साइज़ का हम इसमें आलू डाल देंगे और साबुत गर्म मसाला डाल देंगे। साबुत गर्म मसाला में एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 8-10 दाने काली मिर्चों के और 3 से 4 अदद लौंग। जब दाल बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरीके की उसके ऊपर वाइट सी झाग आ जाएगी, उसको हम रिमूव करते जाएंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च। दाल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें इसी तरीके का थोड़ा बहुत पानी मौजूद होना चाहिए। अब जो साबुत मसाला डाला था उसको हम रिमूव कर देंगे और दाल को चम्मच की मदद से या घोटने की मदद से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉपराइज भी कर सकते हैं। मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है और ये देखें, ये बहुत अच्छा सा पेस्ट की शक्ल में आ गई है। ये हमें इसी तरीके की चाहिए थी और आपकी दाल भी इसी तरीके की सॉफ्ट होनी चाहिए। मज़ीद इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, इसको साइड कर देंगे। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप दूध, 1/2 कप इसमें जाएगा मेयोनीज, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें चीनी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी, उसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छे से ड्रेसिंग हमारी रेडी हो चुकी है, इसको साइड कर देंगे। दूसरी साइड पे हम तवा ले लेंगे, उस पर डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी। अगर आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बर्गर्स को सेंटर में से कट कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब बर्गर्स को हम थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे और इसको अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। बर्गर्स हमारे दोनों साइड से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, इन पे बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये हमें इसी तरीके के चाहिए थे। अब जो नीचे वाली साइड होगी बर्गर्स की, उसके ऊपर जो हमने दाल का पेस्ट बनाया था वो लगा देंगे। इस पर हमने एक थिक सी लेयर लगानी है इसकी। ये देखिए, दोनों बर्गर्स पे हम नीचे वाली साइड पे अच्छे से इस दाल की एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे, थिक सी। दूसरी साइड पे एक बाउल ले लिया है हमने, उसमें डाल देंगे एक अंडा और अंडा डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को आपने बहुत अच्छे से फेंटना है। अब जो बर्गर्स पे हमने दाल का मिक्सचर लगाया था वो दाल वाली साइड हम अंडे में डिप करेंगे और तवा ले लेंगे दोबारा से। उसमें डाल देंगे अच्छे से घी तकरीबन 3 टेबलस्पून और ये दाल वाली साइड अंडे में जो हमने डिप की थी इसको घी में डाल देंगे। दूसरे को भी हम इसी तरीके के साथ अंडे में डिप करेंगे और तवे पे रख देंगे। ये देखिए, जब एक साइड हमारी अच्छे से हो जाएगी तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। दूसरे को भी हम इसी तरीके से चेंज कर देंगे साइड, ताकि नीचे से भी ये और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। दोनों साइड से बर्गर हमारे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। अगेन तवे पे थोड़ा सा घी डालेंगे और एक अंडे को मैंने उसी बचे हुए अंडे में डाल लिया था और उसको फेंट के इसका एक ऑमलेट टाइप अंडा बना लेंगे। अब बर्गर्स की ऊपर वाली साइड पे अच्छे से बटर लगा लेंगे। अब जो मिक्सचर लगाया था हमने बर्गर्स पे, उस पर हम ड्रेसिंग रख देंगे जो बंद गोभी की हमने बनाई थी। ये देखिए, कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लगा देंगे अंडा और इसके ऊपर डाल देंगे टमाटो केचप। बहुत अच्छे से टमाटो केचप इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके ऊपर हरे धनिया और हरी मिर्चों की जो चटनी होती है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बच्चे मिर्चे नहीं खाते, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब जिस पे बटर लगाया था बंस पे, वो इसके ऊपर रख देंगे और इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। मैंने इसको होल्ड करने के लिए इसके ऊपर टूथपिक्स लगाई हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है।
लेकिन इससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ जाएगी। ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं और आप इसकी लुक देखें, बहुत मज़े के बहुत क्रिस्पी बर्गर से आ रहे हैं। ज़रूर बनाइएगा, वीडियो चलेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को क्रिस्पी बर्गर्स बना के लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएंगे। हेल्थी रहिए, हेल्थी खाइए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।